Good morning everyone. Welcome to the Office channel of 494 Summon Regulatory Bodies and So, my name is Saman jyot and I am here with all of you to discuss the another session on the live mean news -super analysis. So, subsequently, chat box. In mujhe bata is everything okay? Are we good to go? Good morning to all of you. So, are we good to go? Just the se mujhe chat section. Ke and important thing is that.

तो फेज़ टू में अभी आपको प्रैक्टिस करनी है स्टैटिक क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हो लाइक इफ यू से कि मैम प्रैक्टिस टेक्स तो है ही नहीं फेज टू के क्या करें तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास जो सेशंस होने लाइक like द 530 थर्टी सेशन जहाँ पे हम ई एस ए फैंस मैनेजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो ऑन द रेगुलर बेसिस हर दिन हम पाँच क्वेश्चन सॉल्व करें तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टिल द एग्जाम तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे ठीक है तो प्रैक्टिस अनलिमिटेड आपकी हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम दैट करेंट अफेयर्स की आपके पास अवेलेबल है उसका बहाना नहीं बना सकते हो है, पे ही आपको यहां में डेली क्वेजेस आपको करंट अफेयर्स की भी मिल रही हैं ठीक है थीके? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे आपको नेक्स्ट इफ इफ यू टॉक बॉडीज एंड ओ चैनल तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी अपकमिंग सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें साथ ही में इफ यू हैव नॉट सीन द प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल डू चेक द प्ले लिस्ट आपको सारे स्ट्रेटेजी वीडियोज कॉन्प्चल वीडियो एवरीथिंग विल भी अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को इज एटीन ऑफ नवंबर नवंबर इज गोइंग टू बी एंड वेरी सून सो दिस इज हाई टाइम टू बी सीरियस अबाउट उ योर प्रिपरेशन एंड डू मेक श्योर की जितनी चीजें आप पढ़ते जा रहे हो रेगुलर बेसिस पर उनका रिविजन भी करते रहो ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग एवरीथिंग इज ओके लेट से स्टार्ट तो सबसे पहले न्यूज की बात अगर कर हम करें तो दट इज रिलेटेड टू किस फ्यूचर इज इन द रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम वट वी आर से क्रिप्टो का जो फ्यूचर है इज इन दी रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम वॉट डज इट मीन क्या मतलब हुआ इसका कि क्रिप्टो का तो हम बात कर रहे थे यह डिस करेंसी है डिसेंट्रलाइज मतलब कोई भी सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर इसका नहीं है जैसे हमारी करेंसी को सरकार चला रही है नहीं बोल सकते सरकार चला रही है आर बी आई बना रही है पर लीगल टेंडर तो गवर्नमेंट दे रहा है अच्छा मुझे ये बताओ ऐसी करंसी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल टेंडर देता है लाइक फा टू थाउजेंड रुपी नोट हम लोग यूज़ कर हैं, फाइव हंड्रेड रुपी हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू हंड्रेड रुपी नोट हम यूज़ कर रहे हैं, फिफ्टी रुपी नोट हम यूज़ कर रहे हैं हंड्रेड रुपी नोट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो करेंसीज़ हैं इन सब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल टेंडर दिया हुआ है

कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हो या फिर लोन के रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हो दैट इज मनी चाहे आप चेक बोलो करेंसी बोलो डिमांड राह बोलो गोल्ड बोलो कुछ भी आप बोलो दैट इज द मनी सो वैसे ही जो करेंसी नोट हम यूज करें इट्स अ टाइप ऑफ मनी वाई आर सेइंग इट्स अ टाइप ऑफ मनी बिकॉज ये भी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन रहा है जब मैं टू थाउजेंड रुपये का नोट मार्केट में लेकर जाती हूँ तो मैं उसके बदले में उतनी वैल्यू एक्सचेंज खरीद पाती हूँ क्यों खरीद पाती हूँ बिकॉज उसकी वैल्यू है उतनी ठीक है सो मैं पुराने वाले नोट आज के टाइम पे यूज नहीं कर सकती जबकि सेम आरबीआई ने बनाया है अंडर द आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर के सेक्शन 22 में कहा गया है दट आरबीआई द डिनोमिनेशन एक्सेप्ट एक्सेप्टी वन एक रुपए के नोट को छोड़कर आरबीआई सब बना सकता है तो जब आरबीआई ने ही पांच सौ हजार का नोट बनाया था पुराना वाला तो आज हम उसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे द रीजन बिहाइंड इट गवर्नमेंट ने क्या हटा दिया उन नोट से अपना लीगल टेंडर हटा दिया जब गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर हटा दिया तो आप उस करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं कर सकते तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि फिर ये जो करेंसी हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल टेंडर दिया है

जस्सी का इज करेंसी होता है ठीक है व्हाट अबाउट रेस्ट बाकी लोगों का क्या कहना है व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज इट आमेथ इज सेइंग फिएट करेंसी इतना टाइम थोड़ी लगाते आंसर करने में राइट आंसर विल बी अट करेंसी दैट इज ट्रू फेड करेंसी वो करेंसी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल टेंडर दिया हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट लीगल टेंडर वी आर कैपेबल ऑफ यूजिंग दैट करेंसी इन द इकोनॉमी तो उसी करेंसी को आप क्या बोलोगे फेड करेंसी बोलोगे ओके दैट करेंसी विल बी नोन एज फेड करेंसी वेरी गुड या फिर आप बोल सकते हो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो एग्जाम्पल है फेट करेंसी का ठीक है चलिए आगे बढ़ते So, बोल रहे हैं क्रिप्टो अब देखो फेट करेंसी जो है वो रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम में आता है क्योंकि आरबीआई रेगुलेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल टेंडर दे रहा है कह रहे हैं क्रिप्टो का फ्यूचर जो है वो रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम में है समझते हैं क्या है यहाँ पर हमें ये तो पता है कि निर्मला सीतारामन ने हमने पढ़ा था हमें यह तो पता है कि मिसेज निर्मला सीतारामन ने आई की चीफ वन को कहा था मिस कृष्णा जॉर्जीविया को कि क्रिप्टो करेंसी का कुछ ना कुछ तो करो यानी कि इसके रेगुलेशन के बारे में कुछ करो इन्होंने जी की प्रेसिडेंसी में भी कहा कि हम बात करेंगे किसको लेकर क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को Leka. so they can use after hitting all-time highs in 2021 cryptocurrency prices haven't found a definite floor Koi bhi definite floor abhi tak nahi mila in currency ko. and the appeal of the crypto's promise to reinvent money has also reached its limit in a very niche audience audience so to attract a bigger more mainstream user base the new technologies advocates will have to completely overhaul over how they promote it. ऑब्वियस इफ यू वॉन्ट टू ग्रेन द ट्रस्ट दैन इट इज इट डिपेंड्स दट हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट दैट करेंसी मार्केट अमंग द पीपल सो दैट इज वॉट द मेन पॉइंट इज तब जाके तो लोग ट्रस्ट करेंगे नाउ सो इमेजिन योर कजिन यूर डेंटिस्ट और समन एल्स यू नो होज द लीस्ट लाइकली टू एक्सपेरिमेंट With money or technology. I think about my mother. She's never going to use a Bitcoin wallet at Coinbase or open a savings account in USDC, a digital stable coin packed to the dollar. She will never want a non fungible token for a digital collectible on Tom Baldi's autography autograph networks, but she might be willing to verify her identity at the mortgage lender's website if it allowed her to speed up the process for buying a house and if that the digital identification process was powered by the blockchain technology that underlies crypto she wouldn't even have to know so what we are saying that simply it is very simple that not uh, every person is going to be believe that the cryptocurrency is good and invest in it. every person wants to play safe है ना जैसे क्यों हम म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम लोग क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टे सेफ है ना वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे वही सेम चीज है कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए वहीं पे आपको मॉडगेज लेंडर की वेबसाइट मिलती है जहां पे दे आर गिविंग यू द लोन प्रोसेस है प्रॉपर आपका बाइंग करने का हाउस को एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन करवा रहा है तो हु विल नॉट वांट टू गो देयर है ना तो मोस्ट पीपल आर लाइक हर दे हैव नो इंटरेस्ट इन एनी न्यू टेक्नोलॉजी अनलेस इट कैन हेल्प देम टू डू थिंग्स मोर क्विकली मोर चीपली एंड मोर सेफली सो इट इज ऑब्वियस वाई वी स्टार्टेड यूजिंग लाइक हम अगर बात करें वाई वी स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल बैंकिंग ये हम ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्यों आ गए बिकॉज कोविड पोस्टर्स है ना देखा जाए तो बेस्ट वे है देखा जाए तो बेस्ट वे है इस तरीके से कई कई सारे टाइप की कॉस्टिंग्स आपकी बच जाती है वेन यू आर लिविंग इन योर होम आपको आपके घर पे क्लासेस मिल रही हैं ठीक है सो दैट्स दैट कट्स योर कॉस्टिंग कि आपको अदर सिटी जाना पड़ रहा है देन वहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हो वहाँ से आप पढ़ रहे हो ये सारी कॉस्टिंग तो खत्म हो गई आपकी नाउ यू कैन स्टे एट योर होम एंड यू कैन स्टडी फॉर योर सब्जेक्ट दे योर फैमिली विल बी देअर सपोर्ट विल बी देअर है ना सो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल है बट

क्या कर लिया अडाप्ट कर लिया पर अडेप्ट करने में साइम समय लगा अगर कोविड नहीं आता तो हम इतनी जल्दी इसको नहीं कर पाते बट कोविड के कारण वी डिडोट हैव एनी ऑप्शन दो साल तक हमें बैठा ना रहना ना पड़ा सो व्हाट वी हैव डन कि यार पढ़ना तो है बाहर नहीं जा सकते तो घर बैठ के पढ़ेंगे देन वी स्टार्टेड ज्वाइनिंग द यूट्यूब सेशन हम पेड क्लासेस ऑनलाइन ले लगे एंड नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल वी विद दिस टाइप ऑफ स्टडी राइट सो वही सेम चीज है कि पर यहाँ पे क्या होगा क्विकली आपको मिल रहा है चीपली है और सेफली है ऑब्वियसली है क्विकली है ऑब्वियस ही बात है आपको यहां पे सारी सर्विसेज ऑनलाइन मिल रही है चीपली है ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्टिंग जो आप अदर सिटी में जाके रहते आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन देते हैं वो खत्म हो गया सेफली भी है घर बैठ के आप पढ़ रहे हो ठीक है so सो यहाँ पे हमने देख लिया कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपको ऐसे बेनिफिट दे रही तो कौन अडॉप्ट नहीं करेगा सब अडॉप्ट कर लेंगे वैसा ही कुछ आपका क्रिप्टो भी सोच रहा है सो दैट्स वाई आई ट्यून्स वॉज अ विनर दैट्स वाई अमेजोन डॉट कॉम इज अगर नॉट दैट्स वाई नेटफ्लिक्स गेन सो मेनी एंड दैट्स वाई पेमेंट ऑफ सच एस एंड हैव मास अपील सो वाई व्यू आर सेट लाइक यार देखो ऑफलाइन शॉपिंग की हैबिट हमारी हट चुकी है राइट ऑनलाइन शॉपिंग कभी कोई बोले भी शॉपिंग चलना है तो इसे यार टाइम नहीं है लेट्स चेक ऑन द मिनट लेट्स चेक ऑन द अमेजन ऑनलाइन बुक करते हैं यू जस्ट ट्राई इट इफ अगर अच्छा लगा तो आप रखिए नहीं तो यू कैन रिटर्न इट सो दिस इज वॉट ये टेक्नोलॉजी हमें और बेटर सर्विसेज दे रही है हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दैट्स वाई वी आर स्टार्टिड और ऑप्टिंग इट ऑनलाइन शॉपिंग आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है सो so यहाँ पे देखो द ट्रबल विद्रिप्टो सोफर इन एडिशन टू इट्स वॉलिटरी The scam and the failure of untrusted uh, intermediaries is that a lot of the problems it claims to solve have already been solved. So we can already send digital payments or set up online savings account, and we can do it with the same currency we use to pay our taxes and make cash transactions. So, why do we really need cryptocurrency? So, this is what ki upia trust. How you will judge itself. ठीक है सिक्योर है हाउ यू विल सेज इट सो दैट्स से यही हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एक्चुअल में हमें चाहिए भी क्रिप्टो करेंसी कि ट्रबल तो क्रिप्टो के साथ यही है ना वॉलीडिलिटी की बात करो स्कैम की बात करो फेलियर ऑफ अनटेस्टेड आपके इंटरमीडिय वहाँ पे हो सकते हैं जैसे कि अभी हुआ था आर ने लिस्ट दी थी पूरा आपका अनटेस्टेड इंटरमीडियरीज की जो फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आपको करवा रहे थे फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड कर रहे थे सो दैट्स वॉट द इशू विद द क्रिप्टो ऑल्सो ज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम पूरा ट्रस्ट पे चलता है और वी कैन से ट्रस्ट नथिंग एल्स इफ यू आर परचेजिंग शेयर ऑफ अटिकुलर कंपनी वाई यू आर परचे कस्टमर बेस अच्छा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा है कितना चल रहा है कस्टमर एवरीबडी इज रेडी टू परचेज द कार ऑफ द मारोती तो अच्छी कंपनी है शेयर खरीद लेते हैं वेन यू वॉन्ट वेन यू वॉन्ट टू परचेज गुड्स लाइक आपको लैपटॉप खरीदना था सो यू आर थिंकिंग कौन सा लैपटॉप खरीदे तो आप सबसे पहले क्या

Deco. So, let's go back to where it all started, our need to trust money. It's why the financial industry is rife with such terms as trust, security, custodian, guarantee. So, nonetheless, every so often, there's a clandestuous break of trust in which bankruptcies, profile rate, investors are wiped out and millions lose their jobs and homes. Yes. So, one example for was that the Great Depression when the people discovered the banks to which they would... And trusted their money weren't as secure as they hoped. So, in the aftermath, the power of the government and the new regulatory structure were placed behind the banks to help restore trust in the US. That meant for the creation of the Federal Deposit Insurance Corporation, the Securities, the Exchange Commission, and a new housing authority to help support an increase in the home loans. Now, what happened in the Great Depression situation? बैंक्स लोन पे लोन देते जा रहे थे कस्टमर लोन ले रहे थे और मैक्सिमम लोन जो थे आपके वो आपके मॉडगेज वाले लोन थे यानी कि जमीन वाले लोन आपने जमीन गिरवी दी उसके ऊपर आपने लोन ले लिया सो पीपल आर टेकअन लोन उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं, प्रॉपर्टी खरीद के दे स्टार्टेड रेस्टोरेंट और कुछ और कुछ और कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया हुआ क्या द बिजनेस स्टार्टेड फॉलिंग क्योंकि सबने लोन लिया सबने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया पैसे धीरे धीरे लोगों के पास कम हो गए इधर इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हीं प्रॉपर्टीज पर उनको इंश्योरेंस दे दिया आपने बिजनेस किया आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा आपने ये स्टार्ट किया आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा सो so, बैंक्स ने भी उन्हीं लोगों पे इन्वेस्टमेंट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने भी उन्हीं लोगों पे इन्वेस्टमेंट किया ऑब्वियसली यही होता है सो so, यहाँ पे क्या हुआ पीपल वर नॉट अर्निंग मनी बिकॉज सब ने अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात करी जब वो पैसा नहीं कमा रहे थे दे वर नॉट कैपेबल और रीपेइंग द लोन वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे इधर इंश्योरेंस कंपनीज को उनका पैसा पे करना पड़ रहा था लाइक फ्रॉड और डिफॉल्ट के केस में कुछ मान लीजिए नेचुरल क्लामिडीज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना था ना उनको प्रीमियम मिल पा रहा था सो so, ये सारे इशूज देखे गए तो बैंकिंग सिस्टम आपका क्या हो गया खत्म हो गया बिकॉज अगर कस्टमर से आप लोन रिकवर करना भी चाहते हो तो कैसे करोगे कस्टमर बोलेगा ठीक है ले जाओ सिक्योरिटी अगर मैं लोन रीपे नहीं करू तो बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा सिक्योरिटी लेकर जा रहा है ठीक है मुझे डिफॉल्टर घोषित कर देगा सिक्योरिटी जो मैंने रखवाई है कोलेक्ट्रल रखवाई वो ले जाएगा बट द कोलेट्रल वॉज लैंड लेके भी चले जाओगे तो बेचोगे किसको किसी के पास पैसा नहीं है एवरीबडी वॉज फेसिंग द रिस्क है आपका फाइनेंशियल रिस्क सभी फेस कर रहे थे सो so बेचते किसको सो बैंक वॉज नॉट कैपेबल ऑफ रिकवरिंग देर मनी इधर इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी उसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुके थे सो so उनके पास भी पैसा नहीं था सो दिस इज हाउ द ग्रेट डिप्रेशन क्रिएटेड सो लोगों का ट्रस्ट अब वो लोग जिन्होंने डिपोजिट किया था उनका पैसा बैंक वापस नहीं कर पाने बिकॉज बैंक आर फेसिंग द लिक्विटी रिस्क तो ये सारी चीजें देखते हुए धीरे 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 ट्रस्ट क्या हो रहा है बैंकिंग सिस्टम से कम हो रहा है फिर आपका स्टार्ट

inflation of financial market the broader economy suddenly people didn't trust banks or the government okay. सो दिस इज वॉट वी आर सी उसके बाद आपका क्या देखा गया 2008 का क्राइसिस आपने देखा तो 2008 थाउजेंड एट के क्राइसिस के बाद हमने देखा कि लोगों का ट्रस्ट तो बैंक से साथ साथ आपकी गवर्नमेंट से भी हट चुका था बिकॉज दे बोथ फेल्ड इन दैट सिचुएशन यहां तक कि आई एम एफ को भी ब्लेम किया गया कि आई एम एफ भी फेल हो गया सिचुएशन में क्यों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसका काम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना है ना ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना बट आई एम एफ भी उसको प्रिडिक्ट कर पाया था अच्छा जो किया था वो किया था मिस्टर रघुराम राजन ने इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर रघुराम राजन बहुत ही अच्छे गवर्नर रहे हैं हीज अज अ काइंड ऑफ आइडल टू मेनी पर्सन सो अगर मैं मिस्टर रघुराम राजन की बात करूँ तो ही रोट अ बुक दैट टाइम मैंने बहुत बार बताया भी आप लोगों को सेशन में ही रोट अ बुक जिसके अंदर इन्होंने प्रडिक्ट किया था कि जिस तरीके से इकोनॉमी को आप रन कर रहे हो मे बी अ चांसेस की यूएस क्या फेल फेस कर, कर सकता है क्राइसिस फेस कर सकता है तो जब वो बुक आया टू थाउजेंड थ्री और फोर में नो बडी हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर बुक और फिर वही रीजन के साथ आपका क्या आ गया क्राइसिस आ गया ठीक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक एन बोरो मनी फ्रॉम आर बी आई इन एमरजेंसी सिचुएशन आर विंडो फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एनी एमरजेंसी सिचुएशन चलो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है विद द विद्रीवेशन मैंने पूछा एम एस एफ आंसर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे खत्म नहीं होता डू लर्न दीज आपको इंटरव्यू देना है आगे जाके इफ इफ यू आर और इंटरव्यू ने आपसे पूछा है इट इज स्टैंड फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देन यू हैव टू है डेफिनेशन दैट द दिस इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई आर बी आई टू द कमर्शियल बैंक फॉर दाइट ओवर नाइट रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन एट द एमरजेंसी सिचुएशन और द सर्डन लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ड्यूरेशन कहा गया ड्यूरेशन तो बता ही नहीं रहे हो ठीक है एमएसएफ अंडर द आरबीआई फैसिलिटीज ओवरनाइट बोरिंग इन कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ क्राइसिस ठीक है इन केस ऑफ लिक्विटी क्राइसिस वट काइंड ऑफ क्राइसिस क्राइसिस तो बहुत सारे टाइप के होते तो स्पेसिफाई करो कौन सा क्राइसिस है ना लाइक यू ऑल नो सबको पता है एमएसएफ क्या होता है एवरीबडी नो एमएसएफ क्या होता है बट आप उसको कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है बस यही डिस्क्रिप्टिव में चेक किया जाता है डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कैसे होते हैं कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना होती कि इसने इज इस नहीं लगाया तो एक मार्क्स काट दो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता क्या होता है वहां पे आपका प्रेजेंटेशन कैसा है हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर टर्म या डेफिनेशन कैसे दे रहे हो या उस चीज को कैसे समझा रहे हो वो चीज मैटर करती है तो इन चीजों पर ध्यान दो थोड़ा सा ठीक तो है चलिए तो एमएसएफ क्यों लेकर आए इसीलिए लेकर आए ट्रस्ट के लिए एमएसएफ क्यों लेकर आए ट्रस्ट के लिए लाइक मान लो मैं अपने अपना पैसा विड्रॉ करने के सेविंग्स अकाउंट से मैं जाके बोल रही हूँ विड्रॉ दे तो बैंक बोलता है कैश नहीं है कल आना सो so, क्या मेरा ट्रस्ट होगा मेरा पैसा है मैं बैंक में रख रही हूँ और मैं उसे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको यूज करना चाहती हूँ पर मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही तो अगली बार से मैं बोलूंगी इससे बेटर मैं लॉकर में रख लेती हूँ अपना पैसा मैं खुद लॉकर खरीद के रख लेती हूँ मैं क्यों बैंक में पैसा रखूँ जब रिक्वायरमेंट है तो पैसा ही नहीं मिल रहा सो दैट्स वाई एम एस एफ हैज बीन इंट्रोड्यूस बस ये सारा खेल किसका है ट्रस्ट का है एवरीथिंग थिंग वर्क ऑन द ट्रस्ट वन इट कम्स टू दैन इट कम्स टू द मनी सो दैट्स वाई द क्रिप्टो इज ऑल्सो ट्राइंग टू से आगे ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर आएगा टू बिल्ड द ट्रस्ट फॉर फ्रॉम द पीपल चलिए <coughs> आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज इज दैट मेटा इंडिया अपॉइंट न्यू कंट्री हैड दैट इज विध्या देवानंदरी दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू वीक्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ फॉर्मर इंडिया हैड मिस्टर अजीत मोहन फेसबुक पैरेंट मेटा हैज अपॉइंटेड संध्या देवानंदन एज इट्स न्यू टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर द कंट्री इन अ स्टेटमेंट मेटा सेड दट मिस देवानंदन विल ट्रांजेक्शन टू हर न्यू रोल फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2023 थाउजेंड कब से ही अपने रोल को अचीव करने वाली है कब से अपने रोल पे आने वाली है फर्स्ट जनवरी 2023 से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास सो मिस देवानंदन करेंटली सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गेमिंग फॉर मेटाज एशिया पैसिफिक

So now next thing is Mr. Devanandan appointment follows high profile exits from the company's India venture. On 3rd November, Meta announced the departure of a country head Mr. Ajit Mohan with immediate effect. On 15th of November, the company announced the departure of Mr. Abhijit Bose, the country head for WhatsApp India and Mr. Rajiv Agrawal, public policy director for Meta India. Okay, this has been announced by the Meta. So the exit come and the largest single layoff phase for Meta. On 9th November, Meta's chief executive Mark Zuckerberg announced, Mr. Mark Zuckerberg announced that the country will be laying off 11,000 of its employees.

So at the start of COVID-19 the world rapidly moved online and surge e-commerce led to outsized revenue growth many people predicted this would be a permanent acceleration that would continue even after the pandemic ended i did too so i made the decision to significantly increase our investment unfortunately this does not play out the way i expected mr zuckerberg wrote in a blog post announcing the company's decision सो एवरीबडडी वॉज थिंकिंग की आफ्टर पैंडमिक देर विल बी अ बूस्ट ई कॉमर्स मार्केट जो आपका है आपका जो ई e मार्केट है दैट इज गोइंग टू बी बूस्ट वेरी वेरी क्विकली बट ऐसा कुछ हुआ नहीं दैट्स वाई द कंपनी हैज टू टेक दिस डिसीजन मिस्टर मार्क ने ऐसा अपने लेटर में कहा है साथ ही में द मूव क्लोजली फॉलो टर्स रिडक्शन ऑफ इट्स अ वर्क फोर्स बाय फिफ्टी परसेंट विथ सॉ अवर थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग नियर बाई इट्स एंटायर इंडिया स्टाफ बींगट गो ओके सो दिस इसके बाद आपका ये देखा गया इज़ स <coughs> क्या कहा गया है कि प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर आर एसडीजीज़ कैन प्रूव इफेक्टिव एंड विन द फॉलोअर्स वॉट डींस किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे so the trust indicator of the success of any intervention or policy is in its focus of turning limited resources into something that gives a high return on investment. so given the current global economic turmoil, it is imperative to look at the quality of people, public expenditure. so for developing countries, an absence of the government's will to prioritize may lead to a situation where administration try to do everything.

इम्प्लीमेंट दीज गोल्स इंप्लीमेंटेशन गोल्स का कौन करता है हाउ मेनी गोल्स टार्गेट यू दिस इज वॉट यू हैव टू डेल. ये चारों चीजें आपको बतानी है द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी बताना है ठीक है चलिए सो न्यूज क्या रहा है आपका यहाँ पे की आप अगर हम बात करें इफ यू टॉक अबाउट करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इंपेरेटिव टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर सो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एबसेंस है गवर्नमेंट के विल का टू प्रायोरिटाइज मे ये लीड कर सकता है टू सिचुएशन जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई कर टू डू तो एवरीथिंग बट अचीव लिटिल कि लाइक यार वन बाय वन करो ना प्रायोरिटी दे दो क्या अचीव करना है सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाओगे यही चीज तो मैंटोर्स आपको बोलते हैं सब कुछ ये भी कर ले वो भी पढ़ लें ऐसे ही पढ़ लें वैसे पढ़, ले, पढ़ ले नहीं होता यहाँ से ही पढ़ ले वहां से ही पढ़ ले नहीं स्टिक टू वन सोर्स एंड गो अकॉर्डिंगली तो वही सेम चीज यहां पर हम बोल रहे हैं कि यार सब कुछ करना आप एक साथ हो पर कर कुछ भी नहीं पाते तो अचीव सब कुछ करना चाह रहे हो अचीव बहुत लिटिल कर पाते हो इससे बेटर है क्या करो प्रायोरिटाइज कर दो ना But achieve a little, so inherently, this is what the what happened with the world sustainable development goals. और यही सेम चीज आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी देखा गया देखो क्या है ये पढ़ते इसको। जल्दी से आंसर कर दो तो, कमेंट सेक्शन में जो जो मैंने पूछा है रेंज ऑफ इशू मेरी गोल्स ट्रांसलेट इन टू टू फ्यू रिजल्ट इन आर लास्ट कॉलम इन दिस पेजेस ऑन थर्ड अक्टूबर सो वी एक्सपेयरली शोड हाउ द वर्ल्ड इज वे बिहाइंड इट्स द वर्ल्ड विल बी एबल टू अचीव एस डी जी ट्वेंटी Promises only by 2078 while there are 17 sustainable development goals government around the globe are supposed to focus on 169 indicators it effectively means that it effectively means that there are no priorities the developing world which has budgetary constraints cannot set aside the resources to act on all these 169 indicators simultaneously ठीक है सो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे पहली चीज कि अगर देखा जाए जिस तरीके की अभी सिचुएशन है अच्छा ये तो हमें तभी कंफर्म हो गया था जब कोविड आया था फर्स्ट क्वार्टर में कंफर्म था कि एस डी जी गोल तो हम नहीं अचीव कर सकते नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात कर रही हूं कि वर्ल्ड में आपका कंट्रीज जो है नॉट इवन यूएस दे आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग द एसडीजी गोल्स बाई ट्वेंटी तो जिस तरीके का सीनारियो चल रहा है जैसे ही काम चला रहे वन सिक्सटी इंडिकेटर्स हैं सेवनटीन गोल्स हैं ट्वेंटी तक अचीव करो ये सारी चीजें एक साथ साइमेंटेनियसली करना चाहते हैं अगर ऐसा ही ये करते हैं तो ये जो सेवनटीन गोल्स है टू थाउजेंड में अचीव आप कर पाओगे दिस इज वॉट देर सिंग सो दे गवर्नमेंट टू हैव अ सेगमेंटेड गोल सेटिंग प्रोसेस

country spends a rupee evenly across 169 indicators, it will be able to deliver 7 rupees of a social benefits, whereas if the countries prioritize their spending on the 40 best targets, each rupee spent would deliver 21 of social benefits, so to 0 in 1 on the best target countries can do cost benefit analysis which tries to identify all costs including economic, social environmental, this is what they have said ki kya karna yaar, cost benefit analysis karlo. एनालिसिस कर लो डी ए देख लो कि जितना पैसा लगा रहे हो सब जगह पे एक जगह लगाओगे कि तो कितना फायदा होगा सब जगह लगाओगे कि तो कितना फायदा होगा और अगर आप ऐसा देखते हो यू विल कैपेबल ऑफ नोइंग सेगमेंटेड अप्रोच ज्यादा बेटर होगा ठीक है so this is what we are saying a comprehensive analysis makes it possible to weigh all benefit against all cost and suggested the benefit per rupee or dollar of cost it allows us to rank all policies from very effective policies that deliver perhaps 15 rupee per more in total benefits for every rupee spent so to moderately effective policies delivering 1 to 5 of benefits per rupee spent all the way to bad policies that deliver less than 1 rupee for each rupee spent सो दिस इज़ वॉट वी आर सेग कि ये आपका टारगेट है दिस इज वॉट यू हैव टू डू की कॉम्प्रीहेंसिवली ना करके सेगमेंटेड अप्रोच अगर आप लेकर चलते हो तो देर इज अ चांसेस कि आप इसको अचीव कर सकते हो नाउ यू गाइज आर सेंग देर आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट ऑफ गोल्स गिवन बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इंप्लीमेंटेड बाई यू एन डी पी सेवेंटीन गोल्स टू भी अचीव बाय द ईयर टू ट्वेंटी थाउजेंड वेरी गुड जैसे का यूनाइटेड नेशन सेवनटीन गोल्स ओके गुड अमिशा Uh, 17 goals were adopted by all the United Nations member states in 2015. <clears throat> sustainable development is achieving development in such a manner that the future generation doesn't have to compromise for the resources. Very good. Part of the 2020 third, 30 agenda for sustainable development, which set out a 15 year plan to achieve the goals. Okay.

In rupee terms, each rupee could generate about 50 rupees of social economic and environment benefit. Okay. Also, I it, a new working paper by Economic Advisory Council to Prime Minister EACPM title Delivering on the Sustainable Development Goals 16 to 30 delivers into 12 different uh, policies intervention, which will have a very high socio-economic environment return in the ऑन द इन्वेस्टमेंट सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू ये आपका सजेस्ट किया जा रहा है नाउ वी डिसकस सम ऑफ दिसर जैसे कि न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ काउंसलिंग सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशल एंड हेल्थ काउंसलिंग सेकेंड योर फैमिल प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज योर द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ओके अपार्ट फ्राम देट द एग्रीकल्चर आर एंड डी एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन सो दीज आर द फोर प्रायोरिटीज एरिया जो कि ई ए सी पी एम ने कहा है कि वी शुड फोकस ऑन ठीक है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड है मिस्टर विवेक डेब्रॉय जो पहले नीति आयोग के

As the world is facing too many demand has too few resources it would be prudent to focus on the most effective policies first. So this make eminent sense for a rapid growing developing country like India where smart policies can deliver enormous benefits but India can also help set this agenda across the world as it takes the G20 helm for the next year. As the world is flattering on its SDG promises India can solve शो हाउ टू डू मच मोर विद एवरी रूपी ठीक है अच्छा जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी फर्स्ट दिसंबर से हमें मिल रही है जी ट्वेंटी की सबमिट आपकी बाली में चल रही है ने क्या किया है आपके जो लीडर्स हैं ऑफ़ देशन उनको गिफ्ट दिया है क्या गिफ्ट दिया पढ़ा किसी ने कि यू एस हेड को क्या दिया गया है यूके हेड को क्या दिया गया हैबाउट दिस न्यूज कि मिस्टर मोदी ने गिफ्ट क्या दिए हैं टू द लीडर्स ऑफ द डेवलप एमन इन नेशंस यस और नो चलिए नेक्स्ट न्यूज आती है मिस्टर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर यहां पे हैं सो मिस्टर दास हेड्स ऑफ बैंक रिव्यू डिपॉजिट ग्रोथ तो यहां पे कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत सीन कल ही वाली में हमने देखा था कि आपका 17 के आसपास बढ़ा है और आपका जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है वो अराउंड ट्वेंटी के आसपास बढ़ चुका है सो so डिफरेंस है ना कि डिपॉजिट नहीं आ रहा पर क्रेडिट की डिमांड तो बढ़ती जा रही है जब पैसा है ही नहीं तो लोन कहां से बांटोगे तो उसी के ऊपर मिस्टर शक्तिकांत दास

has said now the demand for credit has a struggle ahead of the growth in deposits prompting banks to introduce फ्रेश ऑफर्स टू अट्रैक्ट द डिपॉजिटर्स साथ ही मेंलरेडी रिपोर्टेड दैट बैंक डिपॉजिट रेट नाउ ऑन द राइज आफ्टर सेवरल मंथ्स स्टैगनेंट एंड माइनर इंक्रीज एज पार्ट ऑफ एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट हैव बीनिंग नेगेटिव रिटर्न वेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और इट इज़ वेरी ऑब्वियस ना ये बात हमें लाइवमेंट नहीं बताएगा तो भी हमें पता है कि जो इंटरेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं आपके अकाउंट्स पे आपकी सेविंग्स पे और जो इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में चल रहा है देखो तो कोई नेगेटिव कुछ फायदा नहीं है उसका दैट इज़ सिंपली वर्ड आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेगा कि लाइक like मैंने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रख रखा है आई एम गेटिंग 2.75 पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन चल रहा है सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट सो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जो इंटरेस्ट है वो मुझे फायदा देगा बिल्कुल फायदा नहीं देगा तो मेरा पैसा जो वहां पर है वो तो नेगेटिव रि रिटर्न अर्न कर रहा है सो दिस इज वर्ट द मिट हैज साइड For the fortnight ended 21st October non-food credit rose 18.3% from a year ago against a deposit growth of around 9.5% Okay. Satime, given that inflation has been above the RBS target of 2.6% for 10 months, between January and October, savers are the receiving end of the COVID-era liquidity slush. So the some experts believe that the decision to keep interest rates low to aid economic growth has affected bank depositors. Okay. सो so, यहाँ पे हमने सिंपल देख लिया कि क्या इशू आ रहा है सो so, यहाँ पे किसने ज्वाइन किया था मीटिंग को मिस्टर एम के जैन ने भी मीटिंग को ज्वाइन किया था सीनियर ऑफिशियल्स के साथ सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द गवर्नर इन हिज इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स एक्नोलेज द क्रूशियल रोल प्लेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द पैंडमिक इन द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन और अभी भी आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन चल रहा है उसमें so, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मिस्टर शक्तिकांता दास ने प्रमोट किया है बैंक्स को अब आगे बात करते हैं मिस्टर मोदी की तो यहाँ पे उन्होंने कहा है इनाग्रेट किया है नो मनी फॉर टैरर ग्लोबल मीट ऑन एटीन ऑफ नवम्बर सो नो मनी फॉर टैरर दैट इज इन द ग्लोबल मीट ऑन एटीन नवम्बर मिस्टर मोदी हैज इनागरेटेड ठीक है अभी क्या है देखो अच्छा एक चीज बता दो एट द ग्लोबल लेवल एट द ग्लोबल लेवल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कौन काम कौन काम कर रहा है

ए एम एल केवासी सी एफ टी नॉम्स आरबीआई बनाता है बट एट द ग्लोबल लेवल वेरी गुड एफ ए टी एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये काम कर रहा है जो कि आपका टेररिज्म uh, फाइनेंसिंग और किसको रोकता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पेरिस में ठीक है चलिए द टू डे कॉन्फ्रेंस एट न्यू दिल्ली विल ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू डेलिब्रेट ऑन इफेक्टिवनेस ऑन द करेंट इंटरगल इंटरनेशनल रिजाइम ऑन काउंटर टेरिज्म फाइनेंसिंग एज वेल एज स्टेप्स रिक्वायर टू एड्रेस द एमर्जिंग चैलेंजेस द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ इन द स्टेटमेंट पी एम ने हमें ये बताया है साथ ही में द कॉन्फ्रेंस विल बिल्ड ऑन गेम्स एंड लर्निंग ऑफ प्रीवियस टू हेल्ड इन पैरिस uh, अप्रैल 2018 थाउजेंड एटीन एंड मेलबॉर्न इन टू थाउजेंड नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन एंड विल वर्क टूवर्ड एनहानसिंग ग्लोबल कॉपरेशन ऑफ डिनाई फाइनेंस टू टेरिस्ट एक्सेस टू परमिसेबल रिडिक्शन टू ऑपरेट द पी एम ओ हस्सेड कि यहाँ पे आपका एटीन में मीटिंग किया गया था पैरिस में नाइनटीन में मीटिंग किया गया मेलबॉर्न में और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये क्या कर रहा है ये बात कर रहा है कैसे आप साथ में मिलकर काम करो कि आपका डिनाई कर सको फिनेंस को टू द टेररिस्ट

So, according to the agenda prepared for the NMFT conference, there will be four sessions spread over two days in which representatives of 75 countries will discuss global trends in terrorism and terrorist financing. So, use of the formal and informal challenges of funds for terrorism, emerging technologies, and terrorist financing, and international cooperation to address the challenges in combating the terrorist financing. So, this is what we are talking about. Ki kya karna hai, jo aapka terrorism financing. Usi ko to

with peace-loving nation and to help create a bridge for sustained cooperation on countering terrorism financing india was host to two global events in october the annual general assembly of the interpol in delhi and a special session of the united nations counter-terrorism committee in mumbai and delhi सो so, ये दोनों ही किसने होस्ट किए हैं इंडिया ने होस्ट किए हैं बोथ आर टॉकिंग अबाउट टू मेक द कंट्रीज पीस लविंग है ना कंट्रीज के बीच में ब्रिज करना ये जो गैप बना हुआ है टेररिज्म फाइनेंसिंग को इसको हटाना एंड डू मेक श्योर कि आपका क्या हो पीस लविंग नेशंस को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकें सो दिस इज वॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समिट ऑल्सो ठीक है चलिए तो यहाँ पे एंड होती है आज की हमारी सारी न्यूज़ बिफोर गोइंग सबसे पहली चीज जितने भी लोग सेशन में हैं डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन और शेयर कर दीजिए एक सेशन को अगर आप अपने फ्रेंड्स या टेलीग्राम चैनल्स या व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी से जुड़े हुए हैं हुआ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम डू नॉट फॉरगेट टू शेयर अपार्ट फ्राम दैट सर्टन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू से का आपका टेस्ट सीरीज आ चुका है से का आई कैंडिडेट्स के लिए आई स्ट्रीम कैंडिडेट्स के लिए बुक किट आ चुकी है टू एनरोल इन एनी ऑफ़ दीज यू कैन यूज़ अर कोड वाई थ्री फोर थ्री एस आप कोड यूज कर सकते हो आर का टेस्ट सीरीज और आर की बुक किट अवेलेबल है फॉर द फेज़ वन टू एनरोल इन एनी ऑफ़ दीज यू कैन यूज़ अ कोड वाई थ्री फोर थ्री एस आपको इसको यूज कर सकते हो देन आर ग्रेड बी का बैच आपके पास अवेलेबल है फाउंडेशन बैच सी का बैच अवेलेबल है जो कि सेकेंड फाउंडेशन बैच है फोर्टीन से स्टार्ट हुआ है टू एनरोल यू कैन यूज अ कोड वाई थ्री फोर थ्री एंड लास्ट बट नॉट द लीज इफ़ यू वॉन्ट एवरी जो भी आपको बैचेज में मिल रहा है टेस्ट सीरीज है ई e बुक्स है एवरी विल बी अवेलेबल इन अ सिंगल प्लान

चलिए सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैंक महापैक प्लस में एवरीथिंग इज अवेलेबल बाय यूजिंग अ कोड बाई थ्री फोर थ्री यू विल गेट अ सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट कितना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट हाउ टू एनरोल जब भी आपको एनरोल करना है यू हैव टू गो टू दियर ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर जाइए दिस इज द एप्लीकेशन यू विल फाइंड ऑल द बचेज ईयर सारे बचेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इफ यू वॉन्ट टू गो विद म महापैक यू कैन क्लिक हिअर इफ़ यू वॉन्ट टू गो विद आर बी आई बैच तो आप यहाँ जा सकते हैं एस बी आई सी बी ओ चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं सारे सेक्शन आपके सामने हैं लेट्स एफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन द महापैक जस्ट क्लिक ऑन द महापैक ऑल अ स्लाइड एंड यू विल फाइंड बैंक महापैक प्लस बैंक महापैक अड्डा का महापैक बैंक महापैक विद बुक हेड सो फॉर बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम तो यहाँ पे आप जा सकते हो बैंक महापैक प्लस पे एंड डू रीड ऑल द डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे

ना एट परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सो बाय पेइंग ओनली अराउंड सेवेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज यू विल बी कैपेबल ऑफ गेटिंग द ट्वेल्व मंथ पैकेज ऑफ द बैंक महापैक प्लस इसके बाद कुछ एडिशनल आपको एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है दैट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ यू वाई आई एम सींग कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बिकॉज यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है जो प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल बायूजिंग द कोड वाई थ्री फोर थ्री सो दिस इज लास्ट लेट साइन ऑफ दस बजे मिलते हैं विद द न्यूज जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड दैट इज नमस्ते स्कीम ओके okay? तो मिलते हैं दस बजे लेट्स एंड द सेशन थैंक ऑल फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड अ वेरी गुड डे थैंक यू